प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद बांका जिला के चांदन नदी के अवैध घाटों से धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन और परिवहन जारी है, जिससे रोजाना राज्य सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसी बात को लेकर बांका और भागलपुर जिला प्रशासन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र से बिरमा घाट पर भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त के बीच संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की गई। इस अभियान में बांका के SDM, SDPO और भागलपुर के SDM और SDPO सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी शामिल थे। कार्यवाही की आहट मिलते ही बहुत सारे लोग घाट से अपने वाहन लेकर फरार हो गए, बावजूद वहां से अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर और 5 जुगाड़ गाड़ी को जब्त किया गया है। यही नहीं, घटना पर बालू के डंप भी मिले हैं, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बाबत बांका SDPO और SDM ने संयुक्त रूप से कहा कि ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और इसमें शामिल लोगों की शनाख्त करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई। सर, लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि बिरमा बालू घाट पर, जो अब अमरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, वहां पर से अवैध बालू का खनन लगातार हो रहा। तो इसके पहले भी कई बार रेड हुआ था, कुछ दिन पहले भी हमारे द्वारा किया गया था, जिसमें गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था उन लोग के द्वारा, उसमें केस भी दर्ज हुआ था। तो उस दरमियान जो है, हम लोगों ने एक बैठक हुई थी, तो उसमें जो है ये चीज़ें आई थी कि चूंकि उसका जो भौगोलिक जो बनावट है उसका इस तरह से था कि कोई एक थाना क्षेत्र जैसे अमरपुर पड़ता है, वो क्षेत्र अमरपुर में, लेकिन उसको वहां तक पहुंचने के लिए पूरा नदी क्रॉस करना पड़ता था और वहां से सजौर थाना जो है काफ़ी नज़दीक पड़ता है, जिस कारण से वो सजौर के माध्यम से उधर से भाग जाता था। तो इस भौगोलिक जो टेरेन है उसको ये टैकल करने के लिए जो है हम लोगों ने भागलपुर और बांका दोनों की ज्वाइंट टीम का गठन किया गया था, जिसमें SDO भागलपुर, SDO बांका, SDPO बांका और SDPO भागलपुर की टीम थी और साथ ही QRT और STF की टीम भी उसमें सम्मिलित थी। तो कल रात में ये ज्वाइंट रेड का जो है ये कार्रवाई किया गया था और उस कार्रवाई के दौरान जो है वहाँ पर इलीगल गतिविधियाँ पाई गई थी और हम लोगों ने एक कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर वहाँ से और 5 जुगाड़ गाड़ी के साथ ही एक मौके पर से एक ड्राइवर और एक जो अवैध रूप से वहाँ पर दुकान का संचालन कर रहा था, जो वहाँ पर मजदूरों और जो ट्रैक्टर ओनर को सामान की सप्लाई करता था, उसको जो है हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई, और इसके अलावा जो है वहाँ पर कुछ बालू के डंप भी पाए गए हैं जिस पर अलग से माइनिंग के द्वारा कार्रवाई उस पर किया जाना है। बालू अवैध बालू उत्खनन की जो शिकायतें हैं वो प्राप्त हो रही थी, जिसपे पुलिस प्रशासन और जिला पदाधिकारी और SP महोदय के निर्देश पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि बताया गया कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बालू का उत्खनन हो रहा है वो इंटीरियर है, जिसकी वजह से जो है पूरी जो है त्वरित तरीके से वहाँ पर कार्रवाई में थोड़ी समस्या आ रही थी। इसके मद्देनज़र माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक में जिला पदाधिकारी बांका और पुलिस अधीक्षक महोदय बांका के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि इस संबंध में जो है SDPO और SDM तत्काल सभी थाना प्रभारी जहाँ पर ऐसे अवैध बालू खनन की शिकायतें आ रही हैं और जो अन्य जो SDPO जो उनके साथ बैठक करके कार्ययोजना तैयार करें कि हम लोग इसको जो है इस समस्या को कैसे निपटें। इस संबंध में हम लोग जो है बैठक किए और कार्ययोजना तैयार की। इस कार्ययोजना में कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुओं पर हम लोग ने विचार विमर्श किया, जिसमें ये था कि अवैध बालू के उत्खनन के मामले में बांका जिले से जो बालू उत्खनन करते हैं उसको कहीं ना कहीं वो लोग भागलपुर के रास्ते निकाल कर ले जाते हैं और वहाँ की मंडी में बेचते हैं। इस संबंध में हम लोगों ने ज्वाइंट एक टास्क फोर्स बनाकर और ज्वाइंट रेड करने का हम लोगों ने एक जो है वो मतलब की प्रपोजल दिया। दूसरा ये था कि हम लोग जो है जहाँ कहीं भी जो बॉर्डर है, जो भागलपुर और बांका के जो बॉर्डर है वो मिल रहे हैं, तो हम लोग भागलपुर के क्षेत्र के अंदर बांका और जो भागलपुर की जो पुलिस और जो मजिस्ट्रेट है उनकी वहाँ पर चौकी लगाकर लगातार जो है जो ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है गैरकानूनी बालू का उसको हम लोग रोके। जिला परिषद सदस्य ने बजाज के ई बाइक शोरूम का किया शुभारंभ। बाराहाट बाजार स्थित कैलाश बजाज शोरूम में जिला परिषद सदस्य नीलम सिंह के द्वारा बजाज के चेतक ई बाइक शोरूम का शुभारंभ किया गया। प्रोपराइटर अजय कांत आजाद ने बताया कि ग्राहकों की मांग पर एक ई बाइक खरीदी हेतु अब क्षेत्र के लोगों को दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। ई बाइक के उपयोग से प्रदूषण कम करने में भी मददगार होगा। वहीं मौके पर जिला परिषद सदस्य नीलम सिंह के द्वारा फीता काटकर ई बाइक चेतक का लॉन्च किया गया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ई बाइक समय की मांग है तथा सभी लोगों को ई बाइक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। मौके पर विनोद ठाकुर, संजय कुमार, नवीन राय सहित अन्य लोग मौजूद थे।
शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यालय में नाट्य रूपांतरण आयोजित कर बच्चों को किया प्रेरित। बांका जिले के बाराहाट प्रखंड अंतर्गत RBR प्लस टू हाई स्कूल पथरा में सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में बच्चों के बीच शिक्षक दिवस के अवसर पर शीर्षक वृद्धा आश्रम का नाट्य कला रूपांतरण आयोजित की गई। सर्वप्रथम विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका एवं गणमान्य अतिथियों के साथ बच्चों ने देश के प्रथम राष्ट्रपति व शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर धूमधाम से 136वां जन्म दिवस मनाया। तत्पश्चात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर बच्चों ने कबीर दास रूपांतरण वृद्धाश्रम से संबंधित लघु नाटक प्रस्तुत किया और उनके रूपांतरण को दर्शाया। कहते हैं, गुरु गोविंद दौ खड़े काके लघु पांव, बलिहारी उन गुरु की जिन गोविंद दिए बताएं। भगवान से भी बढ़कर गुरु को दर्जा दिया जाता है। इसी कड़ी में बच्चों बच्चियों के द्वारा नाटक मंचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण इत्यादि भी किया गया। नाट्य कला के माध्यम से दिखाया गया कि माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़े करते हैं, पर वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वही बेटा उनको वृद्धाश्रम जाकर छोड़ देता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया गया कि बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ताकि वह भी एक दिन वृद्ध जरूर होगा, उसके बच्चे भी देखेंगे कि मेरे पिताजी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा है। तो इस तरह का व्यवहार आपके साथ भी किया जा सकता है। कला के माध्यम से यह भी दिखाया गया कि आप जिस तरह कर्म करेंगे उसका फल आपको भी मिलेगा। कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार की नाटक कला के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया गया। साथ ही साथ विद्यालय परिवार ने इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्य अतिथि, पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र ठाकुर एवं घनश्याम मंडल आदि को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया, तथा बच्चों के द्वारा शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को कलम, डायरी, रुमाल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में मंच संचालन हनान सर ने किया। मौके पर विद्यालय प्रधान कृपा शंकर सरन, राजेश कुमार, शिवशंकर यादव, ज्योतिष रज, प्रदीप कुमार, सुधीर कुमार, कृष्ण नंदन साह, रिद्धि मैडम, सनाज मैडम, प्रियंका मैडम के साथ सैकड़ों की संख्या में बच्चे मौजूद थे। जो है जन्मोत्सव 136वां जन्मोत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं, अतः आप इसमें शांति बनाए रखें। आप काला आप क्रमानुसार आगे आ रहे हैं। संस्था प्रधान श्री कृपा शंकर सरन सर एवं प्रधानाचार्य महोदय जी हमारे बीच पधार रहे हैं, इनके सम्मान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार गड़गड़ाहट के साथ तालियों का स्वागत है। ॐ यज्ञमय रंदने वास्ताने, वो भी न जाने नैनों के रंग, न जाने मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। करण द्वय के कर कमलों से एक छोटा सा उपहार प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री डे में कौन सा कार्यक्रम आप लोग किए? क्या है वृद्धाश्रम? वृद्धाश्रम यह है कि शादी करने के बाद लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में ले जाके छोड़ देते हैं, उसका इज्जत नहीं करते। क्या नाम है आपका? किस विद्यालय से हैं आप? घर कहाँ पढ़ता है? वृद्धाश्रम में कौन सा आप किरदार निभा रहे थे? माँ का। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। ये कार्यक्रम जो किए, लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? इससे प्रभाव पड़ेगा कि हम सभी लोग माँ बाप का इज्जत करेंगे, माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं